देखिए बेसिक मैथमेटिक्स से हम सॉल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस देख रहे हैं, तो ये हमारे पास मेथड है वो है सूत्र परावर्त योजक, ठीक है ना। इसमें हम एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका है, अगर आपका कोई भी लीनियर इक्वेशन है वो दे रखा है ax + b = cx + d टाइप के फॉर्म में दे रखा है। तो देखो यहां से अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो जो हमारे पास सिंपल मेथड है उस मेथड को अपन अप्लाई करेंगे तो ax - cx = कितना होगा आपके d - b, और यहां से आप x कॉमन लोगे तो a - c * x = कितना आएगा d - b। तो यहां से x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा d - b / कितना a - c, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर डायरेक्टली मुझे इसको रिमेम्बर करना हो यानी याद रखना हो तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू यहां से कितना आएगा कि d - b / कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे जो x है माइनस कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे जो x है यानी कि a माइनस कितना c। सेकंड हमारे पास एप्लीकेशन है कि अगर ax + b / p = cx + d / q इस टाइप के फॉर्मेट में कोई भी आपको इक्वेशन दे रखा है, तो देखो ऑब्वियसली ये जो दिया गया है आपको फॉर्मेट दिया गया है ये कहने की कोशिश की है कि आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके माइनस कर लोगे, और अपन क्या इसका मल्टीप्लाई इसमें और माइनस क्या इसका मल्टीप्लाई इससे यानी कि a - q - c - p यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे क्रिस क्रॉस करा देंगे तो यहां से हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा a³x + b³ + b³ = यहां से कितना मिलेगा आपको cpx, और प्लस कितना मिल जाएगा यहाँ पे dp मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको ट्रांसफर करोगे और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मिल जाएगा a³ - cp * कितना x = dp - bq। इसको डिवाइड कर दोगे आप तो x का वैल्यू कितना मिलेगा dp - bq / a³ - cp, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया। तो बेसिकली क्या रहा कि हमें याद रखना है, कैसे याद रखना है कि ये मल्टीप्लाई ये ठीक है माइनस b · q, ठीक है, और अपॉन में कितना आने वाला है, ये आपका आने वाला है कितना कि a³ - cp, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला रिमेम्बर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो कि अगर मान लीजिए x + a (x + b) = x + c (x + d) टाइप के फॉर्मेट में आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखा है तो इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। देखो ऐसा लग रहा है कि भैया आपने सी डी का मल्टीप्लाई किया इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इसमें से आपने ए और डी का मल्टीप्लाई क्या कर दिया माइनस कर दिया, ए और डी का मल्टीप्लाई माइनस कर दिया गया और अपॉन में कितना आ रहा है। देखो यहां से आपको एक्स का कोफिशिएंट कितना मिलेगा बी, और यहां से कितना मिलेगा आपको ए मिलेगा, तो एक्स कॉमन लेने से कितना आएगा a+b आएगा। फिर यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कोफिशिएंट कितना आएगा सी, और इसका कोफिशिएंट कितना आएगा डी आएगा। तो यहां से जब आप LHS में इसको ले रहे होंगे तो मैं इसको सॉल्व कर दिखा देता हूं आपको कि x² इसका मल्टीप्लाई से x² + कितना आएगा bx + कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई से ax आ जाएगा प्लस कितना आएगा ab = ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा x² इसका मल्टीप्लाई से कितना आएगा bx, और इसका मल्टीप्लाई से कितना आएगा cx, और प्लस कितना आ जाएगा ये cd आ जाएगा, ठीक है। तो x² से x² कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप x कॉमन लोगे तो कितना आएगा a+b, और प्लस ab = यहां से आप कॉमन लोगे तो कितना आएगा ये आएगा c + d और इनटू कितना x, और प्लस कितना लिखा हुआ है cd। आप इस तरफ को ले आओगे तो उसमें से कॉमन कितना आ जाएगा, उसमें से कॉमन कितना आएगा x कॉमन आएगा टोटल से, तो ये x इसको आप बदल लेंगे तो कितना आ गया cd - कितना ab आ गया। फिर आपने डिवाइड इसे कर दिया होगा तो cd - ab / कितना a+b - कितना c+d, दैट इज योर आंसर। तो ये जो तरीका हमारे पास है वो तरीकों को हमने कैसे फॉर्मुलेट किया कि देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में यहां से a+b - कितना c+d, ऐसे अपन को रिमेम्बर रखना है, याद रखना है इसको हमें। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है कि फोर्थ एप्लीकेशन इसका है कि m / x + a + n / x + b = 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा -(mb + na)/n आएगा। देखो यहां से अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में आपको कितना मिलने वाला है, यहां से ये मिलेगा आपको x + a (x + b), ठीक है, हम इसको सिंपल ऑर्डिनरी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और ये मिलेगा आपको m × x + b और प्लस कितना n × x + a = कितना 0।
जैसे क्रिस क्रॉस कराओगे तो क्वांटिटी आपकी जीरो में चली जाएगी, तो यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा एम एक्स प्लस एम बी प्लस एन एक्स प्लस कितना आएगा एन ए इक्वल टू कितना आएगा जीरो आएगा। इन दोनों से कितना कॉमन ले रहे हैं एक्स कॉमन ले रहे हैं तो एम प्लस एन इन टू एक्स आएगा इक्वल टू आप इन दोनों को आर एच एस में ले जाओगे तो माइनस टाइम्स एन ई माइनस टाइम्स एम बी नजर आएगा तो कितना आएगा एम बी और माइनस कितना एन ई नजर आएगा। इसको आप डिवाइड कर दोगे माइनस कॉमन ले लो तो कितना आएगा एम बी प्लस एन टाइम्स ए अपॉन कितना आएगा एम प्लस एन नजर आएगा। तो हमको फील क्या हो रहा है देखो ध्यान से देखिएगा कि m टाइम्स b हुआ है और प्लस कितना n टाइम्स a हुआ है यानी ये इनटू ये प्लस ये इनटू ये अपॉन में कितना आ रहा है m प्लस n आ रहा है अपन को ऐसे ध्यान रखना है। तो ये क्या है एक ऑर्डिनरी तरीका आपको ये फॉर्मूले क्या है इसको याद रखना पड़ेगा ठीक है ना। तो इन पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है कि 4 अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो ठीक है। देखो n का वैल्यू कितना है 4 n का वैल्यू कितना है 5 और a का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू कितना है माइनस टू एक्स प्लस माइनस टू। तो यहां से आपको x का वैल्यू कितना मिलने वाला है माइनस टाइम्स एम बी मतलब ये इंटू ये हो जाएगा यानी 4 इंटू कितना आएगा माइनस टू आएगा माइनस टाइम्स एम बी प्लस n टाइम्स कितना a तो n टाइम्स a कितना आएगा 3 इंटू 5 आ जाएगा और टोटल के नीचे कितना आएगा m प्लस n मतलब कितना होगा 4 प्लस 5 यहां से माइनस 8 प्लस 15 करोगे आप तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो ये माइनस का 7 और अपॉन कितना आ गया 9 आ गया। तो ये थोड़ा सा आपको हेल्पफुल इस तरह से रहने वाले हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन इस तरह का ले लेता हूं तो क्वेश्चन ये है मान लो क्वेश्चन दे रखा आपको एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स और ये एक्स माइनस फाइव मान लो ये रखा है ठीक है। तो हमें इसमें से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे मान के चल रहा हूँ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी ए का वैल्यू 3 बी का वैल्यू 4 सी का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू कितना है माइनस 5 है। तो मैं डायरेक्टली क्या लगा सकता हूँ सी डी तो ये सी डी हो गया यानी 6 इंटू माइनस 5 और माइनस ए बी ए बी कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा और टोटल के नीचे कितना आएगा a प्लस बी तो ये a है ये b है यानी 3 प्लस कितना 4 और माइनस टाइम्स फिर माइनस कितना आएगा ये आएगा c प्लस डी तो 6 प्लस माइनस 5 करोगे आप तो कितना बचेगा यहाँ 1 बचेगा ओनली तो कितना हो गया माइनस का 30 माइनस का कितना 12 तो ये कितना आ गया माइनस का 42 मिला और यहां से कितना है 7 7 माइनस 1 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा। 6 का डिवाइड आप करोगे तो कितना मिलेगा माइनस का 7 तो x का वैल्यू आपको यहां से कितना मिल रहा है माइनस का 7। ये नेसेसरी नहीं है कि इसका वैल्यू आपको क्या मिले इंटीजर वैल्यू मिले ठीक है। तो इस पे बेस्ड आपको कुछ एक्सरसाइज जो आपको मिसलियस एक्सरसाइज दे रखी है आपको एक ही एक्सरसाइज इस साल दी गई है तो उसमें कुछ क्वेश्चन है जो आप ट्राई कीजिए। वैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो अवेलेबल नहीं होंगे अगर है तो ट्राई करें लेकिन आपको जो एग्जाम्पल्स है उसमें आपको जरूर इस तरह के एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट देखते हैं अभी हेलो स्टूडेंट्स इन दिस मेथड वी विल लर्न विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द इक्वेशन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ठीक है। सो नाउ वी हैव द फर्स्ट द मेथड इज सूत्र शून्यम समुच्चय। द फर्स्ट मेथड इज फर्स्ट मीनिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इज व्हाट इफ x इज ए कॉमन फैक्टर इन ऑल द टर्म्स देन x इक्वल टू 0 इफ देयर इज ए इक्वेशन अगर आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है जिसके अंदर हर एक टर्म के अंदर x एक कॉमन फैक्टर है तो ये फैक्टर है अपने आप में 5 into x x is also factor here, x is also factor here, 1 into x and 6 is also factor here, 6 into x. So we can say the solution of this equation will be x equal to 0. And now you can solve it also. So 5x and 3x equal to 8x and 6x plus x equal to 7x. When 8x, when 7x subtracted from 8x, then you got x equal to 0. So you can solve this directly without solving actual this, without actually solving this. Second meaning and application is what? If in a linear equation, you have to note down this one. If in a linear equation, independent term in the both sides have same value, then the value of variable is zero. Suppose we have this equation and in both the sides, you have the independent variable, independent
terms like 7 and minus 8. So what is the sum of these? So minus 1 is the sum, and what is the sum of these two? So minus 1 is the sum. So minus 1 cancel. So already you will get the equation like that. So the solution will be x equal to 0. The third meaning and its application is, if in an equation both fractions have same numerator, the solution of equation is obtained by putting sum of denominator or numerator equal to denominator equal to 0. So suppose we have same numerator, then how to find the solution of this equation? Let's put the sum of these denominator equal to denominator equal to 0. So here the numerator a and a is there. So here the numerator is same. So how to find the solution of this equation? Just put sum of denominator equal to 0. Like we have equation 2 upon 3x plus 5 plus 7 plus 2 upon x plus 9 equal to 0. So how to find the, we are seeing clearly numerator in both the fraction is equal, then you can just directly find the solution of this equation without actually solving it. How to find sum of denominator equal to 0? So here is 3x plus 5 plus x plus 9 equal to 0. So 3x plus x means 4x, here is 4x, and 5 plus 9 equal to 14, here is minus 14, so x equal to minus 7 by 2. So that is the method by which we are solving this one, this equation without actually solving this. And how to solve in that method? Just take the LCM of these, multiply this into this, multiply this into this, then solve this equation for x. But you don't have to do this. Okay. The fourth meaning and its application is, if sum of numerator and sum of denominator of fraction are equal or are in a definite ratio, then the sum of the numerator or sum of denominator equal to 0 will give the solution of the equation. Okay, so let us see. So what is the sum of numerators in both sides, in both the fractions? So when you will do the sum of these numerator, sum of numerator, what is the sum of numerator? Sum of numerator is what? Sum of numerator is 5x plus 12 plus 2x plus 5. So what is the sum? 7x plus 17. In the same way, what is the sum of denominator? So that will be x minus 7 plus 6x plus 14. So you will obviously obtain 7x plus what you will obtain? Do this one as here is 2. So here is 7. Okay, right. Here is right minus 7. So x minus 7 plus 6x plus 14, you will get the sum 7x plus 14. So sum of denominator and sum of numerator both are equal to 7x plus 7. So what will be your answer by putting numerator or denominator equal to 0 will give your answer. So what will be the solution? Either put denominator or numerator equal to 0. So what will be your answer? X equal to minus 1. We have did this without actually solving this. Okay. Now the next one is fifth meaning and its application. If the difference of numerator and denominator of one fraction be same as that of second fraction. Numerator, look at this. Difference, what is the difference? Difference mean? Means larger minus lesser. Is it clear? So we always see the difference as a positive value. So it doesn't matter you are subtracting from numerator to denominator or denominator to numerator. Is it clear now? So same as that of the second fraction or their difference are in the definite ratio. Either they are equal or are in the multiple of sum, like 2 times, 3 times, 4 times. Definite ratio, then difference equal to 0 will give the solution of the equation here. Like if I am subtracting numerator from denominator. If I am subtracting numerator from what? Denominator. So you will get, what you will get? You will get, when I am subtracting numerator denominator from numerator, so you will get 8x minus 9 minus 7x minus 7. So you will actually get x minus 16. Is it? Difference of numerator and denominator in the left hand side is x minus 16. And now see here. So when I am subtracting numerator from denominator, then you will get 2x minus 8 minus x minus 8. So you will get what? X minus 16.
16. So I told you just here that it doesn't matter whether you are subtracting numerator from denominator or denominator from numerator. It doesn't matter. You just have to look at the point whether their differences are equal. Okay, that's the point we have. So here the difference of numerator and denominator is x minus 16, and here is also x minus 16. So the answer will be equal to 0. Difference of numerator on either side will, by putting difference on either side equal to 0, will give your answer. So here the answer will be x equal to 16. The next point is 6, meaning and its application is, if in an equation each side contains two fraction, there are two fraction in each side, and numerator in each fraction be the same, and the numerator and sum of denominator in LHS is equal to sum of denominator in the RHS, then this sum of denominator in LHS or RHS will give your answer when you are putting them equal to 0. So what you are seeing that in the LHS side or RHS side, numerator is equal. Here is 7, here is 7, 7, 7. So when you take 7 common, they will be cancelled out. So here is 7 or here is 1, it doesn't affect. So now what the point is, and numerator in each the side contain two fraction, and numerator in each fraction is same, and the sum of denominator in LHS equal to sum of denominator in the RHS. So the same, what is the point now? When I am adding these two denominators, then you will get what? 3x plus 14, and what you will get? 3x plus 2 only. So what I am doing? I am taking this fraction to the right hand side, and I am taking this fraction to the left hand side. So when this fraction comes to the left hand side, so it becomes 7 upon 2x minus 1, it becomes positive. When I am taking this one to the right hand side, so this fraction becomes positive. Is it clear now? So that's the new situation. So numerator is equal on both sides. Now add the denominator. So when you add the denominator, then 2x plus x is what? 3x minus 1 plus 9 is what? 8. Now add these two. So here is 3x plus 8. So the sum of denominator in both sides is equal. So by putting sum of denominator in LHS or in RHS will give your answer. So what is the sum of denominator here? 3x, 2x minus 1 plus in LHS. In LHS, what is the sum? 2x minus 1 plus x plus 9. So here is what? 3x plus 8. Okay. In RHS, what is the sum of denominator? Obviously, 2x plus 5 plus x plus 3. So what is that? 3x plus 8. So in both sides, the sum of denominator is now equal. So by putting the denominator either side equal to 0 will give your answer. So 3x plus 8 equal to 0. So x equal to minus 8 upon 3. That's your answer. You need not to just write these things. When you are calculating in examination or you are calculating somewhere in competition examination, you need not to do that. Just you have to look at whether the sum of the denominator in both sides is equal or not. Okay? Thank you very much. Try some questions on this basis and ask if any problem is there.